हेलो गाइस, जैसे कि हम चल रहे हैं, ठीक है, और मैंने आपको रिव्यू बताया था अभी, तो रिव्यू के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और मैं आपको नेचुरल है, जो नेचुरल चीज़ है वो ही बताऊँगा। इसके साथ में चलते हैं अपन, ये रिव्यू है, देखते रहिए, मैं आपको बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ बताने वाला हूँ। प्राकृतिक चीज़ जैसे कि देख लो, ये प्राकृतिक चीज़ है कि नेचुरल आ रहा है, कहीं से पानी नहीं आ रहा, ये बरसात का पानी है और ये हमेशा चलता रहता है। लोग यहाँ के गढ़मोरा दौसा जिला पपलाज माता है उसके पास का है ये, कि देखिए आप, ये देखिए हमारे यहाँ नहरें नहा रहे हैं, और देखिए वो मेरे साथी है, वो जैसे कि देख पा रहे हैं वो मेरे साथी हैं और वो पहुंच चुके हैं। अब उनको मुझे कैसे भी हटाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा कैसे भी करके। देखिए वो जा रहे हैं और ये काफ़ी भयानक रूप है। डूंगर में जाना काफ़ी बहुत ख़तरनाक है। यहाँ के जानवर भी हैं और जानवर भी काफ़ी एक्साइटेड है। ये देखिए व्यू है, और जैसे कि आपको बता दूं जानकारी के लिए, जूते मेरे टूट चुके हैं, ये देखिए जूता टूट चुका है, ये रेड चिप वाले जूते थे लेकिन टूट गए हैं, और ये तो सही है, तो इसके कारण मुझे दूसरे जूते हैं ऐसे, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। ये देखिए प्राकृतिक चीज़ है, इसकी धारा देखिए, अगर कोई बह जाए, ये देखिए इसका व्यू देखिए, ये देखिए इतनी तेज़ धारा है कि अगर कोई इसके आगे आ जाए तो बह जाएगा वो। ये गांव का सीन है, जो गांव में बोलते हैं ना लोग बाग, शहर में रहते हैं वो बोलते हैं अरे गांव में क्या ज़िंदगी है, गांव में चूतिया ज़िंदगी है, और गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, और व्यू जैसे कि गांव के लोगों के लिए बोलते हैं, जैसे कि लड़कियां बोलती हैं गांव के लोग गमछा डाल के चल देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जो गांव का ही बंदा एक डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट को कौन संभालता है, एक आईपीएस को आईएएस हुआ वो संभालता है, तो वो गांव के ही बंदे होते हैं, क्योंकि गांव के बंदे मेहनत करते हैं और जो भी है गांव के स्तर से सोचते हैं, ना कि सेल्फिस होते हैं, शहर के स्तर से भी नहीं सोचते। ये अब क्या शहर का आदमी ले सकता है, समझा, कहीं भी ना सकता है, इसमें कहीं पे भी ना सकता है भैया, कहीं पे भी ना सकता है। ये नदी काफ़ी बड़ी है, और जैसे मैं चलता ही जा रहा हूँ, देखिएगा काफ़ी बड़ी नदी है, और इसका नज़ारा, मैं थोड़ा, मेरे जूते टूटने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, जूता टूटने से प्रॉब्लम हो रही है, और हम चलते हैं आगे, चलते जा रहे हैं, और मेरे साथी कहाँ पहुँच गए हैं मैं बता देता हूँ आपको, वो मेरे साथी पहुँच गए हैं, वो भी दिख रहे हैं आपको, वो मेरे साथी हैं, मैं आपको ये नज़ारा दिखाने के चक्कर में ही मैं लेट होता जा रहा हूँ। नज़ारा देखिएगा, ये प्राकृतिक है, हम प्राकृतिक को ख़त्म करते जा रहे हैं, कंपनियां बनाते जा रहे हैं, तो प्राकृतिक ख़त्म हो जाएगी तो पानी कहाँ से आएगा। ये देखिए भाई साहब है, ये जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, ये देखिए इनके हाथ में पेड़ है, और ये भाई साहब हैं, ये ऐसे चल रहे हैं, तो अब ये पानी के बहाव में देख रहे हैं कैसे निकलना है कैसे नहीं निकलना। अब ये निकलेंगे, देखिए कैसे गांव का आदमी, ये देखिए
कैसे निकट रहे हैं और हम चल रहे हैं धीरे धीरे व्यू देखते हुए, और चलते जा रहे हैं। मेरे साथी लोग पहुंच चुके हैं, मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ इसका। अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति थोड़ी आपको माफ़ करेगी। प्रकृति है तो प्रकृति सबको नष्ट कर देती है। अगर आप लोग प्रकृति को नष्ट करना चाहते हो तो प्रकृति आपको नष्ट करेगी, सीधी सी बात है। देखिए आप, पानी का बहाव कितना तेज़ है, देखिए यह आता ही जा रहा है। जब तक मैं चलता रहूँगा, ये देखिए डूंगरों के बीच है, डूंगर है यहाँ पे, डूंगरों के बीच है, ये पूरे डूंगर हैं। इसमें वीडियो भी काफ़ी दिक्कतों के साथ बनाई जा सकती है, क्योंकि ये देखिए कोना है, ये वहाँ से बहुत आगे है, बहुत आगे। और मेरे साथी लोग पता नहीं कहाँ जा चुके।